وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. अल्लाह मालिक अल्लाह का बेहद एहसान है कि उस अल्लाह का मुहाजिरीन ने हम जैसे गुनाहगारों को एक मरतबा फिर से माह सियाम जैसा मौसम बहार अता फरमाया. दुआ है कि अल्लाह का मुहाजिरीन हम सबको इस रमजान से भरपूर मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए. न जाने हो सकता है किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि हमारी जिंदगी का ये आखिरी रमजान, किसी को कुछ अंदाजा नहीं. कई हमारे ऐसे दोस्त अहबाब, हमारे अपने अजीज़ों और कारों में से, हमारे साथ चलने फिरने वाले, उठने बैठने वाले, हमारे साथ खाने पीने वाले, जो पिछले रमज़ान हमारे साथ याद हैं, तो हमारी ज़िंदगी का भी कुछ आइडिया नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जाए. ये रमज़ान अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझ के अगर हम इसको गुजारेंगे, इसके एक एक लम्हे को अपने लिए फायदेमंद बनाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन रब्बुल आलमीन हमें रमजान से मुस्तफीद जरूर करेगा. इंसान अच्छा है या बुरा है, दो तरह के इंसान है, या अच्छा होगा या बुरा होगा. तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं दोनों हालतों में अगर इंसान अच्छा है या बुरा है उसने रब से मुलाकात लाजमी करनी है. रब्बुल आलमीन ने अपने सामने उसको जरूर पेश करना है. तो कितना ही खुशनसीब इंसान हो कि जो रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, नबियों के तरीके के मुताबिक अंबिया ने जिस तरह तौर तरीका ज़िंदगी का बताया है उसी तरह ज़िंदगी गुजार के अल्लाह का मुहाकिमी की नज़र में इज्जत वाला इंसान बन जाए. सूरत का हक है, सूरत का हक के आखिरी आयात रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहे हैं पवन का नैर जो लिखा रब्बी, तुम में से जो चाहता है कि वो अपने रब से मुलाकात करे, फलियअमल अमलन सालिहा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे. अच्छा, नेक अमल करने का फायदा क्या होगा? मुलाकात तो होनी होनी. अच्छा इंसान है तब भी, बुरा इंसान है तो तब भी. रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के मुख्तलिफ मुकामात पर अच्छे लोगों की मुलाकातों का जिक्र भी किया और बुरे लोगों की मुलाकातों का जिक्र भी किया. कुरान मजीद का 24वां पारा उठा लें. अल्लाह अकबर हक में ऐलान कर रहे हैं वसीक الذين كفروا الى جهنم زمرا, ये रब से मुलाकात होने लगी है कि अल्लाह अकबर हक में एक ग्रोह को जहन्नम की तरफ धकेलेगा, एक ग्रोह जहन्नम की तरफ चलाया जाएगा और ये ग्रोह किनका है? इनकार करने वालों का, कुफर करने वालों का. रब्बुल आलमीन के बताए हुए रास्ते के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी बल्कि अपनी मनमर्जी से जिंदगी गुजारी, इनकार किया, कुफर किया, अल्लाह उसके रसूल की बात करना उस बिला मजाक बनाया. तो कुरान कहता है वसीक الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها, जब जहन्नम के दरवाजों के पास आएंगे, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, وقال لهم خزنتها, जहन्नम के दरोगे, जहन्नम के निगरान जिनकी ड्यूटियां अल्लाह अहकम الحاکمین ने लगाई है, जब से पैदा किया है, जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया उनकी ड्यूटियां लगाई है, वो अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं. वो फरिश्ते जिनके मतलब कुरान ने कहा ला यासुनल्लाह मा अमरहु व यफअलूना मा युअमरून, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कभी नाफरमानी करते नहीं है बल्कि काम वही करते हैं जिनका रब उनको हुक्म देता है. वो फरिश्ते जहन्नम के निगरान, जहन्नम के दरोगे, वकाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुल, वो जहन्नम में जाने वाले लोगों से सवाल करेंगे क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हें को बातों नसीहत करने के लिए नहीं आया था? जो तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाता, कुरान का तर्जमा पढ़ता, कुरान की तफासीर पढ़ता, तुम्हारी आंखें खोलता, तुम्हारी रहनुमाई करता, तुम्हारी इस्लाह करता, अलम यातिकुम रुसुलुन मिनकुम यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम, तुम्हारे ऊपर रब की आयतें पढ़ता, वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और इस आज क़यामत के दिन की मुलाकात है जो बड़ी सख्त है, बड़ी कठिन है, इस मुलाकात के दिन से तुम्हें डराता. जवाब देंगे कालू वाला, क्यों नहीं?
अंबिया भी आए थे, रसूल भी आए थे, किताबें भी आई थी, उलमाए किराम भी आए थे, हमने कुरान पढ़ा भी, कुरान को सुना भी, तर्जमे भी सुने, तफसीरें भी सुने, लेकिन इसके बावजूद हमने जिंदगी अपने तौर तरीके से गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल की बातों का ठट्ठा बनाया, मजाक बनाया, नऊज बिल्लाह को हमने पसे खुश डाल दिया, कालू बना क्यों नहीं, सब कुछ हुआ था। और इससे अगली आयत में रब्बुल आलमीन एक ऐसी खूबसूरत मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह हम सबको उन खुश नसीबों में शामिल करवा दे। वसीक الذين تقوا ربهم الى الجنه زمرا। अब ये मुलाकात होने लगी है बड़ी खुशनसीबी वाली। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि एक रोज जन्नत के दरवाजे को चलाया जाएगा, हत्ता इदा जाउहा, जब ये जन्नत के दरवाजों के पास जाएंगे, फूती हद अबवाबुहा, उनके दरवाजों को खोल दिया जाएगा। वकाल लहुम खजनतुहा सलाम, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ये प्रोटोकॉल मिले, फरिश्ते प्रोटोकॉल दें और रब्बुल आलमीन फरिश्तों की ये ड्यूटियां लगा के रखे कि मेरा फुला फुला नामी बंदा आएगा, इसको तुमने सलामती के साथ प्रोटोकॉल देना है। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामती हो तुम्हारे ऊपर दुनिया में, तुमने बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, परेशानियों को बर्दाश्त किया है, रमजान का रोजा आया, हालात चीजों को अपने ऊपर तुमने हराम कर लिया, रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, रब्बुल आलमीन के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए अपने दिन को गुजारा, अपनी रात को गुजारा कुरान की तिलावत में और जिक्र अज़कार में अपने वक्त को सरफ किया। सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम्हारे ऊपर सलामती है, अब पकीज़गी के साथ और इसी सलामती के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। हजरत दो मुलाकातों का जिक्र हुआ है, एक अच्छी मुलाकात जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाली, रब की खुशनूदी का बाइस, जो सलामती का बाइस है, और एक है वो मुलाकात जो रब्बुल आलमीन की नाराजगी वाली मुलाकात। कुरान मजीद का 29वां पारा सूरह फातिहा के अंदर रब्बुल आलमीन ने दो मुलाकातों का जिक्र किया, पम्मा मनुतिया किताबहू बिजमीन, के वो लोग कल क़यामत को जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल खाया जाएगा। और हजरत याद रखिएगा इस सबक को, इस तालिबे इल्म की बात को याद रखिएगा, दाएं हाथ में नामा आमाल थमा देना ये कामयाब बंदे की निशानी है, कुरान ने बयान किया, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, दाएं हाथ में नामा आमाल का मिल जाना कामयाबी की अलामत है। अल्लाह हम सबको इन दाएं हाथ वाले में शामिल कर दे, दाएं हाथ वाले कामयाब लोगों में हमारा भी शुमार कर दे। कुरान कहता है अम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनी, वो लोग जिनको दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, फसौ फयुहासब हिसाब यसीर, फसौ फयदहु सुबूरा वयस्ला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। हजरात दाएं हाथ में नामा अमाल मिला है, ये इंसान की खुशी का आप अंदाजा लगा लें, इसको दाएं हाथ में नामा अमाल मिला, जन्नत की गारंटी मिल गई, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, अब ये अलल ऐलान दुनिया के सामने अपने नामा अमाल को मशहूर कर रहे हैं और ये ऐलान कर रहा है, लोगों देखो मैं दुनिया में था, मुझे इस बात का गुमान था कि अगर मैंने अच्छे अमल किए तो रब्बुल आलमीन मेरे अमलों की कदर करेगा, कल क़यामत में मुझे ज़लील और रुसवा होने से बचाएगा और मुझे अपनी रहमत की नजर करते हुए जन्नत का दाखिला अता करेगा। देखो आज रब्बुल आलमीन ने मुलाकात भी की है और रब्बुल आलमीन मुझसे खुश भी है और मुझे दाएं हाथ में नामा अमाल भी दे दिया मेरा। और दूसरी मुलाकात कि जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल थमाया जाएगा, वम्मा मन उतिय किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम उत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। आए आज मेरा माल भी काम ना आया, रब से मुलाकात हो रही है उस बदबخت इंसान की जिसने कलमा तो पढ़ा होगा लेकिन मर्जी अपनी चलाई होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार तो किया है लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी नहीं है। हजरत जुबान से सिर्फ इन कलिमात को कह देने काफी नहीं है, इनके मुताबिक जिंदगी भी बनानी पड़ेगी, इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना पड़ेगा तभी जाके कामयाबी हमारे मुकद्दर चुमेगी, वगरना अम्मा मन उतिया किताबहू बिशिमाली बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जा रहा है। और याद रखिएगा बाएं हाथ में नामा अमाल बदबख्ती की नाकाम और फेल होने की अलामत है, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाएगा। तो क्या कहेगा, हाय अफसोस आज मेरा माल मेरे काम नहीं आया, आज मेरी सल्तनत मेरी बादशाहत, आज मेरा मन मता मेरी गाड़ियां मेरे बंगले मेरी शोहरत जो झूठी थी सब कुछ था, हालांकि सुल्तानिया
कुछ भी आज मेरे काम नहीं आया, मेरी बादशाह भी इलाक हो गई, मान लो पता भी तबाह बर्बाद हो गया, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आई। साथ ही ऐलान होगा खुजूहू फगल्लू, इसको पकड़ो जहन्नम की जंजीरों के अंदर, इसको जकड़ दो। हजरत फिर इसको पकड़ा जाएगा जहन्नम की जंजीरों में, इसको जकड़ा जाएगा और औंधे बाल इसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। हजरत रमजान मुबारक का बा सआदत बा खैर बरकात वाला महीना अल्लाह का हाकिमी ने जो हमें अता किया है, इससे मुस्तफीद होइए और इसकी खैर बरकात को समेटिए और इंतखाब कीजिए, इंतखाब कीजिए कि कुरान ने ऐलान किया है फमन काना यरजू लिका रब्बिहि फलियअमल अमलन सालिहा, कि तुम में से जो रब से मुलाकात करना चाहता है उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे। हजरात अगर रब से अच्छी मुलाकात करना चाहते हैं तो इस रमजान को अपने लिए आखिरी रमजान समझते हुए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मेहनत कीजिए। रब्बुल आलमीन हमारे नेक अमलों को, हमारे क़ियामुल लैल को, हमारे कुरान की तिलावत को, हमारे जिक्र अज़कार को और हमारे दिन के रोजे को और दिन के रोजे में की जाने वाली इबादतें, रात में की जाने वाली इबादतें और सदका और ज़कात दीगर नेकी के जितने भी काम है, रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की नजर से हमारे उन तमाम नेक कामों को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमाए और हमें फस्तबिकुल खैरात, कुरान ने जो ऐलान किया लोगों नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। हजरात रमजान में जहाँ पे हमने रोजे रखने हैं, क़ियामुल लैल है, नमाज तरावी का अहतमाम है, तहज्जुद की नवाफिल कुछ पढ़ते हैं, हजरात छोटे छोटे या बड़े बड़े कोई भी अमल जहाँ पे हमने ये सारे करने हैं ना, वहाँ पे हमने इन सारे अमलों के साथ साथ अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करना है। इखलास अगर इस इखलास नहीं है तो आपका छोटा अमल हो या बहुत बड़ा अमल है, अगर उसमें इखलास नहीं है, रियाकारी है, दुनिया को दिखाना मकसूद है, आजाद बुरी अमल लपेट के आपके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपका छोटा सा कोई नेक काम है उसके अंदर इखलास मौजूद है, रब्बुल आलमीन उसको कबूल करके उसको बहुत बड़ा नेकियों का पहाड़ बना सकते हैं। अपने अंदर इखलास पैदा कीजिए, अपने दिल को पाक साफ कीजिए, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए। अल्लाह ये सारे वो काम हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं, जन्नत के करीब करते हैं, रब की रहमत के करीब करते हैं और इंसान को जहन्नम से दूर करते हैं। एक छोटा सा वजीफा बता के अपनी बात को खत्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के पास ये बात इसलिए करने लगा हूँ कि रमजान को हमने अपने लिए फायदेमंद बनाना है, रमजान से हमने मुस्तफीद होना है। तो ये वजीफा एक ऐसा है कि इंसान चलता फिरता बा आसानी इसको पढ़ सकता है। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा है, एक आने वाला आया बदू, बदू कहते हैं देहाती को, और देहाती इस टाइप के होते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले होते हैं, कोई ज़िगज़ैग नहीं होता। वो आए आके कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई खास खास अमल बता दें, कोई मोटे मोटे काम बता दें कि मैं उन अमलों को करूं तो अल्लाह मेरी झोली मेरी मेरे दामन को अपनी खैर से भर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चार कलिमात सिखाने लगा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल सुभान अल्लाह, तो क्या सुभान अल्लाह, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितने कलिमात हो गए? सारे मेरे साथ एक मरतबा पढ़ लें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने ये चार कलिमात सिखाए, ये देहाती चार कलिमों को सुनता है और मस्जिद नबवी से बाहर निकलने के लिए अपना यानी कि सफर घर जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा दूर गया फिर वापस आ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कहूंगा सुभान अल्लाह इसमें तो अल्लाह की शान बयान हो रही है, मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह की तारीफात के कलिमात है, मैं कहूंगा अल्लाहु अकबर इसमें अल्लाह की बड़ाई बयान की जा रही है, मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें भी अल्लाह की शान बयान की जा रही है, फरमान ये अल्लाह के नबी मेरे लिए क्या है, मैं तो अपने लिए सवाल करने के लिए आया था, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें तो अल्लाह की तारीफ के कलिमात है, अल्लाह की बड़ाई अल्लाह की शान बयान की जा रही है, मेरे लिए क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे इज़ा कुलता सुभान अल्लाह, जब तू कहेगा ना सुभान अल्लाह, दुनिया वाले तुझे जवाब दे या ना दे, रब्बुल आलमीन जो अर्श का मालिक है, जो पूरी कायनात का मालिक है, वो तुझे जवाब देगा सदक तादी मेरे बंदे तूने सच कहा है। क्योंकि अल्लाह से बातें करने को दिल करता है कि नहीं, अल्लाह से अच्छी कलाम अल्लाह से अच्छी बात किसी की हो सकती है? तो जो हम सब का मालिक है, अपने मालिक से अगर हम प्यार भरी बातें करने और करने को दिल करता है कि नहीं, ये वो गली बात है जो सुनते ही रब्बुल आलमीन जवाब देते हैं। नबी ने सामने फरमाया जा कुलता सुभान अल्लाह, जब तक कहेगा सुभान अल्लाह अल्लाह का मुहाकिम कहेंगे सदक साहब दी मेरे बंदे तूने सच कहा,
तू कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल आलमीन तेरी बात का जवाब देंगे, सदकता आप भी मेरे बंदे, तूने सच कहा। तू कहेगा अल्लाहु अकबर, रब्बुल आलमीन जवाब देंगे, सदकता आप भी मेरे बंदे, तूने सच कहा। तू कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, रब्बुल आलमीन चौथी मर्तबा जवाब देंगे, सदकता आप भी मेरे बंदे, तू सच्चा है, तूने सच कहा, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं। नबी इस्लाम ने फरमाया इसके बाद तीन कलमे अपने लिए कह देना। वो तीन कलमे कौन से हैं? अल्लाहुम्मा अग़फिर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि हम सब माफी चाहते हैं, इस जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली कहने की देर है, रब्बुल आलमीन ने जैसे पहले चार कलमों का जवाब दिया है, तूने अल्लाहुम्मा अग़फिर ली कहा, रब्बुल आलमीन कहते हैं कद फअलतु, मैंने ये काम कर दिया, यानी कि मैंने तुझे माफ कर दिया। दूसरा अल्लाहुम्मरहमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर दे, रब्बुल आलमीन फौरन जवाब देंगे कद फअलतु, मैंने ये भी कर दिया, अल्लाहुम्मरजुकनी रिज़्कन वासिअ, अल्लाह मुझे वासे रिज़्क अता कर दे, फरावानियां अता कर दे। रब्बुल आलमीन कहेंगे कद फअलतु, मैंने ये भी कर दिया। हज़रत टोटल सात कलमे याद कर लें, सुबहानअल्लाह उसके बाद अपने लिए ये कर लें, हमारे दामों को अल्लाह अपनी रहमत से भर देगा, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।